साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सौरभ चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे फोरमैन सीरीज में, काफी मैंने 3-4-5 वीडियो पहले भी गलत से रिलेटेड डाली, आज अपन बात करेंगे कुवैत से रिलेटेड। जी हां साथियों, इसमें क्या गलत में दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, इराक सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन कंट्री का नाम चेंज हो जाता है, बाकी सिस्टम सेम होता है, क्योंकि गलत तो सेम है, वैसे ही सबको पता है, वीजा प्राइस सेम है, सैलरी लगभग सेम है, काम लगभग सेम है, वही सेम है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होता है गलत में। तो आज अपन बात करेंगे कुवैत फोरमैन जॉब से रिलेटेड। तो साथियों फोरमैन क्या होता है, फोरमैन वही जो हर वीडियो में मैं बताना होता है, मुझे हर वीडियो में बताता हूँ कि एक एक्सपीरियंस होल्डर जिसको काम जो लेबर कैटेगरी जो लोग हैं वहाँ पे लेबर आदमी है उनसे 10 गुना ज्यादा अनुभव होता है, वो सिस्टम को मैनेज करने के लिए कंपनी उनको अलग से छोड़ देती है, उसकी सैलरी उनसे 2-3 गुना ज्यादा होती है, बस यही सिस्टम होता है फोरमैन का काम, और कैसे उनको काम करवाना होता है पूरे मैनेज उसी पे जिम्मेदारी होती है, उस प्रोजेक्ट की लेबर से काम करवाना, कैसे किसको काम मैनेज करना, ये उसका काम होता है। काम मैंने बता दिया सेम है, फोरमैन क्या और काम दोनों सेम है। योग्यता की बात करें, पढ़ा लिखा आदमी फोरमैन नहीं बन सकता, उससे पहले अनपढ़ बन जाता है, क्योंकि उसको अनुभव होता है उस काम का, कंपनी एजुकेटेड यहाँ पे एजुकेटेड बंदा नहीं चलता, एमए बंदा है उसको इंग्लिश फ्रंटेदार बोलता है, लेकिन क्या उसको काम का तो पता नहीं है, तो कंपनी अनपढ़ आदमी को फोरमैन बना देगी, पढ़े लिखे को नहीं बनाएगी, क्योंकि उसको अनुभव नहीं है, योग्यता है लेकिन अनुभव नहीं है, अनपढ़ आदमी है लेकिन उसको अनुभव है, योग्यता नहीं है, लेकिन वो फोरमैन बन जाता है। ठीक है साथियों, सुविधाएं की बात करें, सुविधाएं तो साथियों सेम है, गलत में कहीं चले जाओ रहना मिलता है, खाना कंपनी आराम से अपनी तरफ से दे देती है, या फिर खाना का पैसा दे देती है, कई बार ऐसा होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है आपको पता ही है, टिकट आने जाने की मिलती है, एक साल से आते हो तो एक महीने की टिकट आना जाना, या एक 1 month लीव सैलरी मिल जाती है, या फिर वीजा भी कंपनी दे देती है, सेम सिस्टम है। वीजा कैसे लेते हैं, तो साथियों वीजा का प्रोसेस मैंने बता दिया, अनुभव वाला आदमी होना चाहिए, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फोरमैनी का, इंडिया में कई बार होता है, इंडिया में अगर वो फोरमैनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इंटरव्यू में अगर वो इंडिया में पास हो जाता है तो उसको वो फोरमैनी में जा सकता है, लेकिन 90-80% सिस्टम ये होता है कि जैसे विदेश से लोग 10-15 साल एक कंपनी में काम करके हैं, उसके बाद फोरमैनी का सर्टिफिकेट है, तो कहीं पर भी इंटरव्यू चल रहा होता है तो फोरमैनी के वहां पे इंटरव्यू देके उसमें सिलेक्शन होके फिर कंपनी उनका वीजा भेज देती है, तो उस वीजा से वो जा सकते हैं, डायरेक्टली ऐसा कोई वीजा नहीं है कि अगर अपने को अनुभव नहीं है डायरेक्ट अपन फोरमैनी में चले जाएं, वो नहीं जा सकते। सैलरी की बात करें तो साथियों कुवैत का आपको पता है सिक्का सबसे भारी है, वहां पे दिनार चलती है, अगर कुवैत की एक दिनार इंडिया का 230 रुपए बनता है, ठीक है साथियों 230 रुपए गलत में सबसे भारी सिक्का कुवैत का है, इसलिए हर इंसान सर कुवैत जाना है, सिस्टम ये होता है, एक दिनार का 230 रुपए भारतीय रुपए बनता है, लगभग फोरमैनी में सैलरी होती है साथियों 250 से 300 दिनार, ठीक है वही सैलरी 50-60-70 हजार रुपए सैलरी बन जाती है, कुवैत का थोड़ा सा 5-10 हजार रुपए फोरमैनी में ज्यादा मिल जाता है, 50-60-70 हजार रुपए तक बंदा फोरमैनी में कमा सकते। वीडियो साथियों मैंने विवेक के आधार पर बनाया, क्योंकि ये लोग जितनी सैलरी ले रहे हैं उसके हिसाब से मैंने वीडियो बनाया, ये कोई कंफर्म नहीं है, लगभग ये ही होता है वहां पे। वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लें, जैसे ही मैं नई अपडेट डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे नोटिफिकेशन, जिससे आपको सही जानकारी सही मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे भविष्य में जब भी आप विदेश जाएं तो आप धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।